वाले हैं और स्पिनर्स यहाँ पर थोड़ा बहुत हेल्प पाने वाले हैं सेकंड में ध्यान रखना यहाँ पर बैटिंग सेकंड करना थोड़ा बहुत आसान होने वाला है बैटिंग फर्स्ट के मुकाबले और स्कोर की बात है तो से एक सौ साठ बन सकता है और ग्राउंड रिकॉर्ड की बात की है तो टोटल इस ग्राउंड पर सत्रह टी ट्वेंटी के मैच खेले गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को सिर्फ तीन मैच में जीत दर्ज हुई है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने चौदह मैचों में जीत दर्ज की है तो जैसा कि हमने बताया कि बैटिंग सेकंड करना यहाँ पर थोड़ा बहुत आसान रहने वाला है अब हम लोग बात करेंगे हम आई की इनकी बात की है लास्ट के पाँच टी मैचों में से तीन में जीत दर्ज करके आ रहे हैं दो में हार मिली है यहाँ से ओपन करने वाली है मोस्ट पॉलि यात्रिका भाटिया और हालिया मैथूज यास्तका भाटिया की बात की है तो टी ट्वेंटी क्राम तेईस मैच में तीन रन है डब्ल्यू पी में आठ मैच में एक रन है और रिसम फार की बात की है तो बयालीस चौवालीस सात एक और तीस ध्यान रखना पिछला वाला मैच जो इसने यूपी मैन क्लाब खेला था उसमें सिर्फ सात रन स्कोर कर पाई थी थोड़ी बहुत कम इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली हैं अगर पिछले तीन मैचों में देखा जाए तो पिछले वाले मैच में भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते नजर आ रही थी ध्यान रखना हाल मैथू ने उनके साथ टी ट्वेंटी मैन क्राम नब्बे मैच में अठारह सौ तेरह रन है बाईस के ओर से नब्बे वन निकाली हैं डब्लू पी एल में आठ मैच खेली हैं दो सौ बत्तीस रन स्कोर क्या बारह विनिकाली हैं रिसन फाइन की बात किया तो जीरो रन तीन विकेट पैंतीस रन ए विकेट पांच रन विकेट चौबीस रन जीरो विकेट अगर आपको बॉलिंग से विकेट नहीं दे रही है तो बैटिंग से थोड़े बहुत पॉइंट दिया था मेरे हिसाब से हाइले मैथ्यूज इस मैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है क्योंकि आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकती है बहुत सारे और बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकती है और इसका फार्म भी बहुत ही तगड़ा है नटालिया स्कीबर आएंगी टी ट्वेंटी क्राम एक सौ सौ मैच में तेईस रन है अट्ठासी वन निकाली हैं डब्लू में आठ मैच खेली हैं दो रन स्कोर किया क्या निकाली हैं और फार्म की बात की छत्तीस रन तीन विकेट पाँच रन एक विकेट जीवन जूवकर तेरह रन दो विकेट ये भी बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रही है बैटिंग और बॉलिंग से अगर एक मैच को छोड़ दिया जाए तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है हरमनप्रीत कौर आएंगे टी ट्वेंटी इजमेन क्राम एक में से, में आठ मैच खेली हैं, जिसमें दो सौ तीस रन स्कोर किया छियालीस से और इसम की बात किया है तो तिरपन नॉट आउट इक्यावन पच्चीस तेईस और दो अगर पिछले मैच को छोड़ दिया जाए तो यह भी बहुत ही शानदार फार्म में चल रही है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है छियासठ मैच में सात सौ पंद्रह रन है उनहत्तर रन नाली हैं डब्लूपीएल में आठ मैच खेली हैं एक सौ छह रन स्कोर किया तेरह रन नाली हैं और रेशन फांग की बात की है तो उन्नीस रन दो विकेट दो विकेट आठ रन जो विकेट इक्तीस नॉट आउट तीन विकेट ध्यान रखना अमेलिया केर ने पिछले मैच में डेथ में बॉलिंग कराया था और ये लगातार डेथ में बॉलिंग करा रही है तो अगर ये डेथ में बॉलिंग करा रही है तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट विक रहने वाली है क्योंकि अगर एम आई टीम पहले बालबाजी करती है तो शुरुआत में विकेट गिरने के चांसेज हाई रहने वाले हैं इस बात का ध्यान रखना नंबर पाँच में बल्लेबाजी करेगी तो इसको उसको आपको बैटिंग से पॉइंट देने के चांसेज हाई रहने वाले हैं पूजा वास्त्रे कराएंगे टी ट्वेंटी इजमेन क्राम बावन मैच में तीन सौ इक्कीस रन बत्तीस वन निकाली है डब्लू पी एल में पांच मैच खेली है साठ रन स्कोर किया दो रन निकाली है रेशन फॉन्ग की बात किया पंद्रह रंज कट एक गेट एक गेट एक ओवर डालकर छब्बीस रन उन्नीस रन पिछले वाले दो मैच में बॉलिंग नहीं कराया है साथ में ध्यान रखना उससे पिछले वाले मैच में सिर्फ एक ओवर कराया है तो मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट बिक रहने वाले नहीं है इसी वो आएंगे टी ट्वेंटी इजमेन क्राम सोलह मैच में एक सौ एक रन है चौदह वन काली हैं डब्लू पी एल में आठ मैच खेली है खेलिएसठ रन स्कोर किया आठ वन काली हैं थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेती है रेशन फांग की बात की है जीरो रन एवगट बत्तीस रन एक गट तेईस रन जेबगट

पाई हैं रिसेंट फाइन की बात की है तो डिड नॉट बैट नाइदर बॉल दो चार दो नॉट आउट डिड नॉट बैट तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगी मेरे हिसाब से जिंदमानी का लीता आएंगे डोमेस्टिक टेटोटेजमेंट क्राम उन्नीस मैच में एक सौ छियासी रन ने सात बिकट निकाली हैं डब्ल्यू पी एल में आठ मैच खेली है पांच रन स्कोर किया कोई विकेट नहीं निकाल पाई हैं और रिसेंट फाइंग की बात किया है जीरो विकेट एक ओवर डालकर दो नॉट आउट डिड नॉट बैट नाइदर बॉल डिड नॉट बैट नाइदरबॉ डिड नॉट बैट नाइदर बॉल तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे मेरे हिसाब से सही का हिस्सा कहेंगे डोमेस्टिक में काम उन्तीस मैच में उनतीस विकेट है डब्ल्यू पी एल में आठ मैच में तेरह विकेट है और रिसेंट फाइंग की बात किया है तो तीन विकेट जीवकट जीव कट जीवकट और एक विकेट लास्ट के तीन मैचों में इसका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है बॉलिंग से विकेट नहीं निकाल पाई हैं तो ये भी कम इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है थोड़ी बहुत रिस्की पिक रहने वाली है तो ध्यान रखना स्टार्टिंग को बस डालने वाली है यन स्कीवर यश मैथ्यूज आई वोंग डेस्क को डालेंगी आई वोंग यन स्कीवर ए केर या यशक बेंच में इधर से बहुत सारे प्लेयर हैं अगर कोई खेलता है तो उनके स्टेट्स आपको लास्ट में सब डेमेटर मिल जाएंगे अगर यहाँ से टॉप लेस्ट बात करें तो पिक कर सकते हैं मेरे हिसाब से इस मैच में, में इंपॉर्टेंट बिक रहने वाली है हाईले मैथूज नटालिया स्कीवर उसके साथ बात किया इधर से हरमनप्रीत कौर को पिक करना है इधर से पिक करना है मेरे हिसाब से एम केर को इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी इसी वोंग इंपॉर्टेंट रहेंगी और इधर से पिक कर सकते हैं मेरे हिसाब से सही का फर्स्ट को तो ये तो बात हो गई बात करते हैं दूसरी टीम यानी कि के की यूपी इनकी बात किया लास्ट के पांच टी ट्वेंटी मैचों में से तीन में जीत दर्ज हुई और दो में हार मिली है यहाँ से ओपन करने वाली है श्वेता सेहरावत और एलेजा हेली श्वेता सेहरावत की बात किया है तो टी ट्वेंटी क्राम बीस मैच में चार सौ उन्नीस रन है डब्ल्यू पी एल में पांच मैच में इक्कीस रन है और रिसन फार्म मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है तो ये रिस्की पिक होने वाली है इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगी मेरे हिसाब से एलेजा हेली आएंगी टी ट्वेंटी जिमन क्राम एक सौ अड़तालीस रन में सताईसौ छप्पन है छब्बीस स्कोर से डब्ल्यू पी एल में आठ मैच खेली है दो सौ बयालीस स्कोर किया चौतीस स्कोर से और रिसन फार्म की बात किया है तो छियानवे नॉट आउट एक आठ बारह और छत्तीस ये भी थोड़े बहुत अच्छे फार्म में चल रहे हैं अगर एक को छोड़ दिया जाए तो थोड़ी बहुत कम इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे ध्यान रखना इनको टीम में रखकर चलना है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं खेलना है केपिन आएंगे टी ट्वेंटी क्राम सत्रह मैच में दो सौ बारह रन है डब्लू पी एल में आठ मैच में एक सौ बारह रन है और रिसेंट फॉर्म इनका इतना अच्छा नहीं है तो मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले नहीं है और ध्यान रखना अगर यूपीओ टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आप रिस्क लेकर बहुत बड़ा रिस्क लेकर इर्जा हेली को ड्रॉप भी कर सकते हो पहले मगरात अंगे टी ट्वेंटी चौतीस मैच में आठ सौ चौवन रन है अट्ठावन के ओर से पंद्रह विकेट निकाली हैं डब्लू पी एल में आठ मैच खेलें दो सौ पंचानवे स्कोर किया दो विकेट निकाली हैं और रिसेंट फाइंग की बात किया तो डिड नॉट बैट बॉल दो रन अड़तीस रन सत्तावन रन और अट्ठावन आपको बैटिंग से पॉइंट दे रही है तो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है और कभी कभार बॉलिंग भी करा देती है एक दो ओवर तो इस बात का ध्यान रखना ग्रेस सैरी संगी टी ट्वेंटी क्राम मैच में पाँच रन ने अट्ठाइस को सौ नौ बिन निकाली हैं डब्लूपीएल ने पांच मैच खेली है दो सौ रन स्कोर किया एक बिन का ली है और रिसन फाइंग की बात किया है तो जीवक छियालीस रन एविक उनतालीस रन जीवक बहत्तर रन जीवकट बहुत ही शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी में इस पॉइंट दे रही है साथ में ध्यान रंगा है गेंदबाजी भी एक दो ओवर करा रही है एक मैच में तो उसने चार ओवर भी कराया था तो ध्यान रखना है दीप्ति शर्मा आएंगे टी ट्वेंटी इजमन क्राम निन्यानवे मच में एक छब्बीस रन ने एक सौ ग्यारह रन का है डब्ल्यू पी एल में आठ मैच खेली है चौहत्तर रन स्कोर नौ निकाली है और रिसेंट फॉर्म की बात किया तीन विकेट बाईस रन दो विकेट तेरह रन और दो विकेट छः रन जीरो विकेट सिमरन शेख आएंगे डोमेस्टिक टी ट्वेंटी इजमेंट क्राम पंद्रह मैच में एक सौ इक्यानवे रन है डब्ल्यू पी एल में आठ मैच में उनतीस रन है और रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी ध्यान ने पिछले मैच में सिमरन शेख ने नंबर तीन पर बल्बाजी का

जरूरी है बात करते हैं डेमो टीम की तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेशन से रखा ए है ली को बैटिंग सेशन से मैंने रखा यच कौर टीम है ग्राथ को ऑलराउंडर सेशन से मैंने रखा यश मैथ्यू यन स्कीवर डी शर्मा ए के जी हैरिस को